बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ देने वाला हूँ। जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। क्लास 10th CBSE वाले बच्चों सुन लो, आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और 12th वालों के एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं। ठीक है ना? तो क्लास 10th के CBSE के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए, आज ही अनाउंसमेंट हो गया है। मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो में वैसे बना देता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा खास आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, तो टेंशन ना लीजिए, आपका रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा किस टाइप से बनेगा, कि प्री बोर्ड के हिसाब से बनेगा। ठीक है ना? पर COVID-19 के ज़्यादा केस आ रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पोस्टपोन कर दिए हैं और सॉरी कैंसिल कर दिए हैं। और 12th के तो आपके एग्जाम होंगे। ठीक है बच्चों, 12th के एग्जाम होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हम 12th के एग्जाम लेंगे तो आपको 15 दिन पहले टाइम टेबल बता दिया जाएगा, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, COVID-19 के ना क्या क्या रूल्स बनाए जाएंगे। ठीक है? तो मैं अब इस वीडियो में आपको ये बताना जा रहा हूँ कि 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, रिजल्ट आपको किस बेसिस पर दिया जाएगा, प्री बोर्ड के बेसिस पर दिया जाएगा, हाफ ईयरली के बेसिस पर दिया जाएगा, या आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है उस बेसिस पर दिया जाएगा। ठीक है? तो अभी बच्चों, क्लास 10th वाले सुन लो अच्छे से, आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, पर घबराइए नहीं, आपने जो तैयारी की है आपको बेकार नहीं जाएगी। अच्छे से क्लास 11th में मेहनत कीजिए। अब आपको जो भी स्ट्रीम लेना है क्लास 11th में, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो कि आपको क्लास 11th में कौन सा स्ट्रीम, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेने पर क्या पढ़ना पड़ता है, उसमें कौन सी लाइन होती है। ठीक है ना? कि आपको क्या क्या चीज पढ़ने पर क्या क्या चीज मिलेगा। ओके बच्चों, तो तैयार कीजिए, मैं जल्दी ही क्लास 11th में पहुंचने वाले बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किस बच्चे के कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन 12th वाले आप तैयारी करते रह जाइए, ठीक है ना? क्योंकि 12th वाले आपके एग्जाम होंगे और एग्जाम होने के बाद भी सुन लो अच्छे से कि आपको 15 दिन पहले दिया जाएगा टाइम टेबल। ओके? मतलब आपको जब एग्जाम होंगे तो 15 दिन या 20 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपके एग्जाम इस तारीख को, इस डेट को होंगे और ऐसे होंगे। ठीक है ना बच्चों? तो 12th वाले अपने तैयारी जारी रखिए, लेकिन 10th वाले आपने जो भी तैयारी की है आपकी बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, कोई भी पढ़ाई की जाए या कोई भी स्टडी की जाए, वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। इसलिए 10th वाले, आप, कुछ बच्चों को निराशा भी हुई है कि मेरे पास कमेंट आया है, कुछ बच्चों को निराशा ये भी हुई है कि सर एग्जाम होने थे कि या नहीं होंगे। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं और 12th के पोस्टपोन्ड किए गए हैं, मतलब 12th के एग्जाम होंगे और 10th के बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है ना? तो अब 10th का रिजल्ट बस काफी दिक्कत दे रहा है कि कैसे रिजल्ट दिया जाएगा। तो अगर आपने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाए हैं या प्री बोर्ड है या जो भी कुछ हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, उसके आधार पर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है? तो 10th के तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, 12th के एग्जाम होंगे। ठीक है? और मैं 11th में, आपको 11th में क्या लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, आर्ट, कॉमर्स या जो भी लिया जाएगा, तो वो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। ठीक है? ओके, गुड बाय। तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है? और मैं क्लास 11th का जल्दी ही बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? ओके, बाय।